दोस्तों, आपको पता ही होगा, रूस और यूक्रेन के बीच लगातार जंग जारी है। रूस ने यूक्रेन के चारों तरफ से तबाही मचा दिया है। यहां तक कि रूस ने कहा है कि अगर जरूरत पड़े तो वे परमाणु बम मारने से भी पीछे नहीं हटेंगे। दोस्तों, इस युद्ध में दोनों देशों के कई लोग मारे गए हैं। दोस्तों, रशिया के पास कई ऐसे भी हथियार हैं जिनसे यूक्रेन तो क्या पूरी दुनिया रशिया से डरती। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे रशिया के पास पाए जाने वाली 10 सबसे खतरनाक हथियार के बारे में। दोस्तों, अगर आप हमारे इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। नंबर 10, T-14 आर्मटा टैंक। दोस्तों, रूस के पास दुनिया की सबसे खतरनाक टैंक T-14 आर्मटा है, जिसकी टॉप स्पीड 80 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, ये टैंक 10 से 12 राउंड प्रति मिनट के दर से गोले दागने में सक्षम है। यह टैंक दुनिया के सबसे खतरनाक टैंक में से एक है। यह टैंक बिना क्रू मेंबर के रिमोट कंट्रोल से एकदम सही निशाने पर गोले दागने में सक्षम है। यह टैंक हेलीकॉप्टर या छोटे ड्रोन को मार गिराने में काफी सहायक साबित होती है। नंबर 9, बेलगोरोड परमाणु पनडुब्बी। दोस्तों, रूस की बेलगोरोड परमाणु पनडुब्बी अपने रेडियो एक्टिव सुनामी पैदा करने वाले पोसाइडन टारपीडो की मदद से किसी भी शहर को एक झटके में बर्बाद करने में सक्षम है। दोस्तों, यह पनडुब्बी दुनिया की सबसे बड़ी पनडुब्बी है, जो 603 फुट लंबी है। दोस्तों, इस पनडुब्बी को दुनिया की सबसे विनाशकारी पनडुब्बी माना जाता है। नंबर 8, 2H7 पियोन तोप। दोस्तों, रूस ने यूक्रेन के युद्ध के लिए अपनी महाविनाशक तोप 2H7 पियोन को भी तैनात कर दिया है। दोस्तों, यह रूसी तोप 40 किलोमीटर तक परमाणु बम भरे गोले दागने में सक्षम है। यह तोप सबसे खतरनाक तोपों में से एक है। दोस्तों, इस तोप को सोवियत एटॉमिक तोप के नाम से भी जाना जाता है। नंबर 7, किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल। दोस्तों, रूस ने इन मिसाइल को MiG-31 लड़ाकू विमान के ऊपर लगाया है। किंजल हाइपरसोनिक मिसाइल आवाज से 10 गुना ज्यादा स्पीड से उड़ान भरने में सक्षम है और परमाणु बम गिराने में भी सक्षम है। दोस्तों, रूस ने इस मिसाइल का तोड़ अमेरिका जैसी सुपर पावर देश के पास भी नहीं है। नंबर 6, TU-22M3 बॉम्बर। दोस्तों, रूसी बॉम्बर TU-22M3 इतना घातक है कि रूस से उड़ान भरने के बाद यह अमेरिका तक परमाणु हमला करने में सक्षम है। दोस्तों, इस मिसाइल को एयरक्राफ्ट कैरियर किलर के नाम से भी जाना जाता है। यह मिसाइल 5000 किलोमीटर दूरी तक हमला करने में सक्षम है, जिसकी 2300 किलोमीटर रफ्तार से हमला कर सकती है। नंबर 5, Sukhoi-35 फाइटर प्लेन। दोस्तों, रूस के बेहद खतरनाक फाइटर प्लेन में से एक Sukhoi-35 35000 किलोग्राम विस्फोटक लेकर उड़ने में सक्षम है, जिसकी अधिकतम स्पीड 2390 किलोमीटर प्रति घंटा है। दोस्तों, यह विमान 18000 मीटर ऊंचाई तक जाने में सक्षम है, जो कि किसी भी युद्ध की दिशा बदलने के लिए काफी है। नंबर 4, इस्कंदर मिसाइल सिस्टम। दोस्तों, रूस ने इस मिसाइल को यूक्रेन की सीमा में तैनात करके रखा है। मध्यम दूरी की यह मिसाइल परमाणु हमला करने में सक्षम है। यह मिसाइल 500 किलोमीटर की रेंज में हमला कर सकती है और 480 किलोग्राम विस्फोटक ले जाने में सक्षम है। दोस्तों, यह मिसाइल बेहद अचूक माना जाता है। नंबर 3, S-400 एयर डिफेंस सिस्टम। दोस्तों, S-400 एयर डिफेंस बॉम्बर जेट्स, मिसाइल और ड्रोन को मार गिराने में सक्षम है। यह मिसाइल एक साथ 35 जगहों पर हमला कर सकती है, जो कि 600 किलोमीटर दूरी तक अपने दुश्मनों की निगरानी भी कर सकती है। दोस्तों, S-400 बैलिस्टिक मिसाइलों से बचाव करने में काफ़ी सक्षम है। नंबर 2, BMPT-72 टर्मिनेटर टैंक। दोस्तों, यह टैंक गोले बरसाने के साथ दुश्मनों के हेलीकॉप्टर को भी मार गिराने में सक्षम है। टर्मिनेटर नाम से मशहूर यह टैंक एक कॉम्बैक्ट प्रूवन वेपन है। युद्ध क्षेत्र में यह टैंक को महारत हासिल है। 2017 में इसे सीरिया के युद्ध क्षेत्र में तैनात किया गया था। नंबर 1, BM-30 स्मर्च। दोस्तों, BM-30 स्मर्च को रूसी बवंडर नाम से भी जाना जाता है, जो बेहद खतरनाक रॉकेट लॉन्चर है, जो कि कमांड पोस्ट
गोला बारूद डिपो बख्तर बंद और सॉफ्ट टारगेट को हराने में सक्षम है। दोस्तों यह 1989 से रसिया की सेना में मौजूद है जो 850 किलोमीटर अंदर जाकर किसी भी युद्ध की दिशा बदलने के लिए काफ़ी होती है। दोस्तों ये थी रसिया के 10 ऐसे हथियार जिनसे पूरी दुनिया डरती है। और तो मिलते हैं दोस्तों किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।